यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। टीवी 9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ इस कार्यक्रम में हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। दाता सुख दे, माता रानी खुशियां बख्शे। जीवन में हर समय एक सा नहीं रहता और परेशानियां भी आती जाती रहती हैं। कभी दुख के काले बादल तो कभी सुख का सूरज। इसलिए कहा जाता है कि जीवन में उतार चढ़ाव सामान्य सी बात है, लेकिन जब व्यक्ति किसी ग्रह दोष से पीड़ित हो जाता है तो वो एक के बाद एक कई समस्याओं से घिरता चला जाता है। इस कारण उसे रात में सुकून से नींद तक नसीब नहीं होती, तनाव और अनिद्रा का शिकार हो जाता है। ज्योतिष में इन समस्याओं को दूर करने के उपायों के बारे में बताया गया है। अगर आप रात को सोते समय ज्योतिषियों द्वारा बताई इन चीजों को सिरहाने रखकर सोते हैं तो इससे न सिर्फ आपकी टेंशन और अनिद्रा की समस्या दूर होती है बल्कि आपके ग्रह दोष भी दूर हो सकते हैं। ये सब कुछ आज आपको इस पूरे कार्यक्रम में गुरुदेव बताने वाले हैं और इसके साथ ही हम जानेंगे सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन गुरुदेव से। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानेंगे गुरुदेव से वैवाहिक जीवन में किसी तरीके की कोई समस्या ना आए इसके लिए सिरहाने के नीचे क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। बहुत बड़ा सवाल किया है और लोगों को पता भी नहीं है कि वो अनजाने में ही लड़ते जा रहे हैं। शादीशुदा जिंदगी यानी और साथ में बिस्तर यानी कि जन्म कुंडली का 12वां घर जो मियां बीबी के मिलन की जगह, और यहाँ पर कौन कौन से ग्रह बहुत ही बुरे माने जाते हैं। यहाँ पर चंद्रमा बुरा माना जाता है, यहाँ पर राहु का बुरा माना जाता है। ये दो ग्रह खास तौर पे यहाँ बहुत ही बुरे माने जाते हैं। और तीसरा जो सबसे बुरा माना जाता है वो होता है बुध। ठीक है, तो चंद्र, बुध और राहु, इन तीनों से बचना बहुत ज़रूरी है जन्म कुंडली के 12वां घर यानी कि तकिए की जगह, बिस्तर की जगह। बहुत सारे आप बेड देखते हो कि उसके बैक साइड में एक कवर बना होता है, ड्रॉ बनी होती है, जिसके अंदर लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान भर देते हैं, ठूस देते हैं, तारें, चार्जर, बैटरियाँ, खराब वाली कैंचियाँ, ये सारी चीज़ें वहीं पे रखते हैं। जिन भी घरों के अंदर ये इस तरह का पीछे एक बॉक्स होता है तब तकिया शुरू होता है और उसके अंदर बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, कबाड़ होता है, खोटे सिक्के होते हैं, कैंची प्लास वगैरह रखे जाते हैं, ये मियाँ बीबी या तो स्वस्थ नहीं रहेंगे नहीं तो लड़ते ही रहेंगे। और किसी भी बात पे, छोटी सी बात के ऊपर पतंगड़ बनेगा और बात बड़ी होकर के इनकी लड़ाई होगी। तो इसीलिए अपने बेड के बैक साइड में जो तकिए की जगह होती है वहाँ अगर कोई ड्रॉ वगैरह बना हुआ है तो उसके अंदर बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान ना रखें। वहाँ कीले, प्लास, कैंचियाँ, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ना करें क्योंकि इनमें से नेगेटिव ऊर्जा निकलती है जो आपके दिमाग को सोचने समझने की और कमी करती है और धैर्य को ख़त्म करती है, उतावलापन भरती है। तो इन चीज़ों को दूर जैसे ही आप करेंगे आपके अंदर धैर्य उत्पन्न होगा। हाँ, वहाँ रखना क्या है, वहाँ आप थोड़ी सी सौंफ रखिए ना, ठीक है, और थोड़ा सा सिंदूर भी भर के रख सकते हैं और मीठे शहद भी रख सकते हैं। ऐसी कुछ खाने पीने वाली मीठी चीज़ें अगर वहाँ रखी जाती हैं जो औषधि के रूप में भी हो, जो जल्दी ख़राब भी ना हो, ऐसी कुछ चीज़ें अगर आप वहाँ रखते हैं बहुत सुंदर नींद आएगी, अच्छा मेल मिलाप होगा, बातों में लड़ाई नहीं होगी और बात का पतंगड़ तो बिल्कुल नहीं लगेगा। गुरुदेव, धन हानि से बचने के लिए सिरहाने के नीचे क्या रखना चाहिए और क्या बिल्कुल भी ना रखें? सच बात है, आदमी जब बिस्तर पे जाता है सही प्लान तो तभी बनाता है और यही कारण है कि बहुत सारे लोगों को बहुत देर देर तक नींद नहीं आती क्योंकि वो प्लान बनाने में डूब जाता है, भविष्य के सपनों में डूब जाता है, भविष्य की कल्पनाओं में डूबता है। तो सही मायने में ये कुछ अच्छा भी है, अगर आप सोने से पहले 10-15 मिनट, आधा घंटा अगर सोचते हैं तो ये बुरा नहीं, ये आपके काम के लिए अच्छा है, लेकिन वो सोच पॉजिटिव रहे ये करना बहुत ज़रूरी है। और आप एक कंक्लूजन पे, एक आइडिया पे पहुंच के एक रिलैक्स की नींद सो सके ये बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सच में आपका तकिया बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो ऐसी अवस्था में
जो आप तकिया लें वो बहुत ज़्यादा सख्त दबा हुआ नहीं होना चाहिए। जो तकिया बार बार गीला हो चुका है, जो बार बार भीग चुका है, उस तकिए का प्रयोग आपको जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। कारण ये, इसमें स्पंज होता है। गीला हो जाने से इसके अंदर कीटाणु पैदा होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते, वो आपकी सोच को और स्वास्थ्य को दोनों को प्रभावित करते हैं। तो इसीलिए तकिया, वही तकिया यानी कि स्पंज यानी कि बुध, अगर इसको सूर्य की मदद मिलती रही, ये बिना सूर्य के बेकार है। तो जो भी आप तकिया इस्तेमाल करते हैं, हफ्ते में एक बार, दो बार, तीन बार, अगर आप इसे बहुत धूप लगवाते हैं और धूप में दिन के वक्त में रख छोड़ते हैं और बाद में इसको झाड़ के इसके ऊपर कवर डाल करके अगर आप वो तकिया इस्तेमाल करते हैं, तो ये तकिया आपको प्लानिंग, स्वास्थ्य, घर के अंदर की शुभता, ये सब चीज़ें प्रदान करेगा। और जिस तकिए को भी यहाँ पर शनि लग जाए, ठंडक लग जाए, वो तकिया हमेशा रखना बेटा अपनी निंद्रा को ख़राब करना, प्लानिंग 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 में चले जाना, सोचते विचारते चले जाना, लेकिन नींद ना आना, वो इस तरह का रूप ले लेगा तकिया। और आप तकिए के अंदर अगर थोड़ी सी सौंफ लाल सूती कपड़े में लपेट करके और उसमें एक 5-7 रत्ती का मूंगा डाल करके वो तकिए में रखते हैं, तो आप देखेंगे कि आप 10-15 मिनट सोचकर डिसीजन निकाल के बहुत ही आराम से रिलैक्स की नींद आप सोएंगे और आपका सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। तो भाई, जानते हैं गुरुदेव से मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। मेष राशि की बात करते हैं, दिन शुभ है, लेकिन शुभ कब है? अगर आज आप किसी भी कार्य की शुरुआत अपने जानकारों से, अपने बड़ों से, आपको गाइड करने वालों से सलाह लेकर के करेंगे तो सफलता का परचम लहराएंगे, लेकिन खुद जल्दबाजी करेंगे तो छोटी मोटी तकलीफ भी हो सकती है। तो सुबह सवेरे हनुमान जी का ध्यान करें और अपनों से सलाह लें, कार्य अच्छा होगा, दिन अच्छा होगा। वृषभ राशि के लिए भी दिन बहुत शुभ है। जो कार्य करेंगे गहरी रुचि से करेंगे, अपनों के साथ मिल करके करेंगे, अकेले भी काम दिया जाए तो धैर्य से पूरा करेंगे। तो सुबह सवेरे अपने इष्ट के दर्शन, माता पिता का आशीर्वाद आपकी शुभता को और बढ़ाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए खट्टा मीठा देना है। पेट में दिक्कत हो सकती है, अपनों के साथ मनमुटाव हो सकते हैं, उस मनमुटाव के चक्कर में अपने कार्यों को स्वयं खराब कर सकते हैं। तो अच्छा ये रहेगा, कार्य करें पर मन में किसी के लिए बैर ना पालें और सुबह सवेरे थोड़ा सा गुड़ मंदिर में अर्पित करें, पॉजिटिविटी रहेगी। और अब बारी है कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का इंतजार खत्म करने की। जानते हैं गुरुदेव से इन तीनों राशियों के बारे में। कर्क राशि, हर तरह की चुस्ती, फुर्ती, बुद्धिमता, काम को हाथ में लेना और पूरा करना, मांगलिक कार्य, पार्टी का आयोजन, सब कुछ तो उत्तम है आज। और हाँ, अगर खास आज किसी लाभ के लिए काम करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। चावल दूध मिश्री मंदिर में दीजिए और लाभ कमाइए। सिंह राशि वालों के लिए भी दिन बहुत उत्तम है। जिसके बारे में सोच रखा है कि आज आपको मदद देगा, वो तो मदद देगा ही। काम को शुरू कीजिए, परमात्मा स्वयं मदद भेजेगा और कामों को संपूर्ण कराएगा और हर तरह से परीक्षा, प्रतियोगिता, कार्यों की सफलता, रिश्तों को निभाने में अच्छा दिन, हर तरह से उत्तम दिन है। बस लक्ष्मी नारायण के दर्शन कर लीजिए। कन्या राशि के लोग अगर आज ओवर कॉन्फिडेंस में काम ना करें तो दिन शुभ है। और ख़ास तौर पे अपने से बड़े, अपने से सीनियर, उनकी सलाह लेकर के करेंगे तो बहुत बहुत ही उत्तम दिन जाने वाला है और हर तरह से खुशी का वातावरण आज आपके अंदर रहेगा। तो सुबह सवेरे थोड़े से फूल माता रानी को अर्पित करके दिन की शुरुआत करें, दिन वैसे भी सफल है, इससे और सफलता प्राप्त होगी। गुरुदेव, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अक्सर कई बार ऐसा देखने को मिला है कि लोगों को बुरे सपने आते हैं, हर रोज़ जब वो सोने जाते हैं तो नींद में बुरे सपने आते हैं। बुरे सपनों से बचने के लिए सिरहाने के नीचे क्या रखना चाहिए कि नींद भी अच्छी आए और बुरे सपनों से भी छुटकारा मिले? बुरे सपने तभी आते हैं जब जन्म कुंडली के अंदर शनि खराब हो, उसका सूर्य के साथ संबंध हो और ऐसी अवस्था में अपने पे पूरा कॉन्फिडेंस ना हो, तो ये बुरे सपनों का कारण बनता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर चंद्रमा को मजबूत करना होता है।
और लाल किताब क्या कहती है कि जब मंगल और शुक्र आपस में मिल जाते हैं तो ये चंद्रमा ही बनता है और शुभ वाला बनता है। तो ऐसी अवस्था में जब आपको बुरे सपने सता रहे हों, उतावलापन, रात को आप देखते हैं कि एकदम तपक के उठ जाते हैं, एकदम झटके लगते हैं, जिनको ये प्रॉब्लमें होती हैं उनका सूर्य शनि का संबंध कहीं ना कहीं तो बनता है, समझ गए। तो इन लोगों को आज बड़े आराम से नींद आएगी अगर ये बात मानी तो। सबसे पहले तो तकिए के लिहाफ में वही सौंफ और मूंगा, ये सूती कपड़े की थैली के अंदर लाल रंग की में ये डाल करके तकिया बनाकर तकिए में रख दीजिए। दूसरी बात, मंगल हमने स्थापित कर दिए, यहाँ पर शुक्र को स्थापित करने के लिए क्या करना पड़ेगा। शुक्र भी 12वें घर में बहुत ही शुभ माना जाता है और मंगल शुक्र की युति यहाँ पर अपने आप को कॉन्फिडेंस देती है, अच्छी प्लानिंग, अच्छी वर्किंग देती है, मियाँ बीबी वाला सुख अच्छा देती है। तो ऑलवेज ऐसे इंसान को अपने तकिए के जो लिहाफ है बेटा वो रेशमी होने चाहिए, सूती नहीं होने चाहिए, चमकदार होने चाहिए। तो वो रेशमी कपड़े का तकिए के ऊपर लिहाफ रखना और साथ में सौंफ की और मूंगे की थैली का होना, ये मंगल शुक्र का मेल जन्म कुंडली के अंदर 12वें घर के अंदर बनाता है, जो बहुत आराम और चैन की नींद भी दिलाता है, मियाँ बीबी के सुख बढ़ाता है और कमाई के साधनों को और अच्छा बनाने के लिए आइडिया भी देता है। तो ये तकिया इस्तेमाल करके आपको हर तरह से लाभ की प्राप्ति होगी। और भाई कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। तुला राशि वाले लोग, जो काम में साहस दिखाना हो, आगे बढ़ के करना हो, जिन चीज़ों से आप बचते आए हैं उन कार्यों को सफल करने के लिए आज का दिन हर तरह से उत्तम है, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का सहयोग, मित्रों का सहयोग, दुनिया का सहयोग आज आपकी किस्मत में है। तो ऐसी अवस्था में दूध चावल मिश्री मंदिर में दे, सफलता और अच्छी होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज काम का दिन वो भी उत्तम, वापस घर पे आएंगे तो भी खुशनुमा माहौल बनेगा। बस आज अभक्ष्य सेवन से बचे और काले नीले रंग से बचे, आपका दिन बहुत ही उत्तम जाने वाला है। परमात्मा का नाम लेके दिन की शुरुआत करें। धनुराशि वालों के लिए कार्य दिवस भी अच्छा है, परिवार का सहयोग और सुख भी अच्छा है, पर इनमें एक खास चीज़ होने वाली है, कोई ना कोई शुभ समाचारों की प्राप्ति होने वाली है और उन शुभ समाचारों के साथ में कुछ जिम्मेवारी भी आपकी लगने वाली है। तो चांदी का चकोर टुकड़ा जेब में रखें, भोलेनाथ को जल चढ़ाएं और ये शुभ कार्यों की तरफ बढ़ते चले जाएं। गुरुदेव, जीवन में तरक्की पाने के लिए सिरहाने के नीचे क्या रखना शुभ होता है और क्या रखने से अशुभ फल मिल सकते हैं? सब कुछ ही तकिए पे डिपेंड है, इसमें कोई दोराय नहीं है। आपके बिस्तर, अगर उस बिस्तर को यानी कि गद्दा यानी कि स्पंज या रुई, ठीक है, रुई का अगर आपका गद्दा है और रुई का अगर तकिया बना हुआ है तो बेटा इसके ऊपर लाल रंग की चादर का इस्तेमाल होना, समय समय पर इसको धूप लगवाना बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर पे हफ्ते में कम से कम एक बार, दो तीन बार करें तो ये बहुत ही उत्तम होगा। आप देखते होंगे कि हमारी नानी दादी हमारी माएँ पुराने समय के अंदर बिस्तर को धूप ज़रूर लगवाती थी, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद में कभी भी जो बिस्तर है उसके अंदर नोकदार तीखी चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जैसे कीले वगैरह हम रख छोड़ते हैं, कैंचियाँ रख देते हैं या ऐसी चीज़ें जिनमें से खुशबू आती है बहुत ज़्यादा, ऐसी कोई भी चीज़ बिस्तर के ऊपर बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि खुशबू जो होती है वो नींद की दुश्मन है, तो इसीलिए वहाँ खुशबू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और सोने से पहले भी परफ्यूम का प्रयोग करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है। तीसरा होना क्या चाहिए, 12वें घर में बृहस्पति बहुत अच्छे होते हैं, तो ऐसी अवस्था के अंदर वहाँ पर लौंग का इस्तेमाल करना, यानी कि कुछ एक लौंग अपने तकिए के अंदर वो डाल के रखना। अगर आपने सौंफ वाली थैली नहीं रखी हुई है तो आप लौंग रख सकते हैं या उसके साथ भी लौंग रख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही शुभ फलकारक रहेगा और ये आइडियाज़ भी और स्वास्थ्य भी दोनों ही अच्छे देगा, ठीक है। फिर इसके साथ में यहाँ पर जो तकियों के लिहाफ चादरों के लिहाफ हैं ये कटे फटे बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ठीक है। और साथ में जो डार्क ब्लू कलर, डार्क ब्लैक कलर,
इसे अवॉइड करना चाहिए। अगर ब्लैक कलर हो भी तो कोई बात नहीं, लेकिन साथ में उसके गोल्डन कलर ज़रूर होना चाहिए, इनका खास ख्याल रखना। और बिस्तर के ऊपर अगर थोड़े रेशमी कपड़ा वो आप इस्तेमाल करते हैं, तकियों के लिए रेशमी कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, तो शुक्र उसके अंदर विराजमान रहेगा और ये साथ में रहते हुए आपको नींद बहुत ही अच्छी प्राप्त होने वाली है और सुख और समृद्धि वाली प्राप्त होगी। तो इन उपायों को आप जरूर ध्यान में रखें और इसे जरूर अपनाएं। आप जानते हैं तीन और राशियों के बारे में, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। मकर राशि, मनमुटाव, अपनों से अनबन, नेगेटिव सोच, उसके कारण आलस्य, ये दिन खराब कर सकता है। तो इसीलिए हल्के पीले रंग, हल्के सफ़ेद रंग, हल्के पिंक रंग, इनमें से जो भी हो वो धारण कीजिए। काले और नीले से अपना बचाव करें। कुत्ते कौओं को आज कुछ खाने को दें और मंदिर माथा टेक के दिन की शुरुआत करें ताकि आप पॉजिटिव रहें। कुंभ राशि वाले अगर आज भी ईर्ष्या भाव रखेंगे, मन मुटाव करेंगे, नेगेटिव सोच के साथ चलेंगे तो दिन खराब हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हंसते खेलते हुए, प्यार से सबके साथ बात करते हुए अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो हर काम में सफलता मिलेगी। तो दूध चावल मिश्री मंदिर में दे, तब दिन की शुरुआत करें। मीन राशि के लोग, अगर आज आप तनाव से बचोगे और तनाव लेकर के दूसरे को तनाव देने का काम नहीं किया तो दिन शुभ होगा। पिछले दिनों से जो नेगेटिविटी हावी है, नुकसान के योग थे, वो अब धीरे धीरे करके टल रहे हैं, तो इसलिए बी पॉजिटिव होकर के कल की सोचें, आने वाले दिनों के बारे में सोचें, दिन शुभ हो जाएगा। भोलेनाथ के दर्शन कीजिए, अच्छा होगा। तो अगर आप जीवन में कामयाबी चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं तो गुरुदेव के बताए हुए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपके कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर है 999-999-0522। आप भी सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि दुखों का अंत हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहे हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।